दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले आईपीएल 2021 के पहले मैच के बारे में, जहां पर मैच रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस और विराट कोहली की आरसीबी के साथ होगा। दोस्तों आपको बताएंगे इसमें दोनों टीमों की ताकत और प्लेइंग 11 के बारे में, साथ ही आपको बताएंगे कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी। तो इस खबर को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वहीं दोस्तों अगर आप भी कोहली और रोहित शर्मा के फैन है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किसके लिए लाइक कर रहे हैं, रोहित या तो फिर विराट कोहली के लिए, कमेंट जरूर करें। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों दुनिया के सबसे T20 लीग आईपीएल 2021 के 14वें सीजन का आगाज होने वाला है। सीजन का पहला मुकाबला रिकॉर्ड 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच 9 अप्रैल को होगा। मुंबई की टीम ने 13 में से 5 आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा किया है और उनकी कोशिश इस विजय सफर को आगे बढ़ाने की होगी। कप्तान रोहित शर्मा समेत शानदार बल्लेबाज हार्दिक पांडे और पोलार्ड जैसे पावर हिटर और बेहद मजबूत पेस अटैक के दम पर मुंबई 6ठी बार खिताब जीतने की कोशिश करते नजर आएगी। पहला मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होना है, जहां आरसीबी की टीम भी जीत के मकसद से उतरेगी। वहीं इस मैच के लिए प्लेइंग 11 तैयार करना मुंबई के लिए ज्यादा मुश्किल काम नजर नहीं आता है, क्योंकि उसके खिलाड़ी मौका मिलने पर खुद को साबित करते ही हैं। मुंबई के पास एक से एक कमाल के खिलाड़ी हैं, ऐसे में किसे बाहर करना और किसे मौका देना इस पर ज्यादा सोच विचार करना नहीं पड़ता है। आईपीएल का पिछला सीजन यूएई में खेला गया था, लेकिन मुंबई टीम 5वीं बार भी खिताब जीत ली। मुंबई टीम में कप्तान रोहित शर्मा और साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक जैसे ओपनर शामिल हैं। वैसे सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन आतिशी पारियों के लिए जाने जाते हैं और इन दोनों ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू भी किया था। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप क्रिकेट और आने वाले आईपीएल के मैचों से पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक वेबसाइट के बारे में, जिसका नाम है 1tobet.com। यह वेबसाइट 13 सालों से रेप्यूटेड और विश्वसनीय वेबसाइट है। आईपीएल बस अब शुरू होने वाला है और आप यहां पर अपना फेवरेट गेम क्रिकेट एक्सचेंज और स्पोर्ट्स बुक में खेल सकते हैं। इसमें आप 3 पत्ती अंदर बाहर लाइव कैसीनो भी खेल सकते हैं। पैसा डिपॉजिट और विड्रॉल करना फ्री और आसान है। आपको हर तरह के यूपीआई ऑप्शन मिल जाते हैं। दिक्कत होने पर आप किसी भी भाषा में कस्टमर सपोर्ट आपको मिलता है। आप कमेंट में दिए गए लिंक से इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आपको 100% वेलकम बोनस मिलेगा। यहाँ पर डेली और वीकली अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है, स्पेशल बोनस भी मिल जाएगा आपको, लकी ड्रॉ और बहुत कुछ। लिंक कमेंट में दिया है, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं। पांड्या ब्रदर्स के तो कहने ही क्या, जो किसी भी मैच का पासा पलटने की काबिलियत रखते हैं। उनके अलावा वेस्टइंडीज के दिग्गज पोलार्ड गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखा सकते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो भारत के सर्वश्रेष्ठ पेसरों में शुमार जसप्रीत बुमराह भी मुंबई से खेलते हैं। बुमराह ने हाल ही में संजना गणसेन से शादी की है और वह शादी के बाद इस लीग में पहली बार खेलते नजर आएंगे। उनके अलावा ट्रेंट बोल्ट और नेथन कुल्टर नाइन जैसे गेंदबाज भी मुंबई की ताकत है। वहीं महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन भी इस बार टीम में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि उन्हें किस खिलाड़ी की जगह मौका दिया जाएगा यह बताना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, खासतौर पर शुरुआती मैचों में तो प्लेइंग 11 में उनकी जगह पक्की नजर नहीं आती है। दोस्तों बात करें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के बारे में तो रोहित शर्मा, क्विंटन डीकॉक, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन जो विकेट कीपर की जिम्मेदारी भी निभाएंगे, वहीं हार्दिक पांड्या, किरण पोलार्ड, कृणाल पांड्या, राहुल चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और नेथन कुल्टर नाइन पहले मैच में आरसीबी को हराने के लिए उतर सकते हैं। वहीं बात करें आरसीबी की टीम की तो विराट कोहली की कप्तानी में बेशक भारतीय टीम ने कई ऐतिहासिक जीत अपने नाम की हो, लेकिन आईपीएल में उनका दामन सुना रहा है। उनकी कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम एक बार फिर आईपीएल की ट्रॉफी नहीं उठा पाए हैं। कई बार उसका प्लेऑफ में भी जाना मुश्किल होता है। पिछले सीजन में हालांकि टीम प्लेऑफ में पहुंची थी, लेकिन खिताब के महरूमी रही थी। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने कहा है कि उनके मुताबिक आरसीबी 2021 के प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाएगी। दोस्तों आरसीबी ने 2016 में आखिरी बार आईपीएल का फाइनल खेला था। विराट कोहली टीम के कप्तानी में फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों से मात खानी पड़ी थी। आरसीबी कुल 3 बार आईपीएल फाइनल खेले हैं, लेकिन एक बार भी उसे सफलता नहीं मिली है। दोस्तों बात करें आरसीबी की प्लेइंग 11 के बारे में तो ओपनर देवदत्त पाटिकल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो ऐसे में टीम के नए बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन से ओपनिंग कराया जा सकता है और उनके साथ विराट कोहली भी ओपनिंग करते नजर आएंगे। एवी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, सचिन बेबी, डेन क्रिश्चियन, काइल जेमिसन, वाशिंगटन सुंदर, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल पहले मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों यह थे आरसीबी और मुंबई इंडियंस दोनों के प्लेइंग 11। आपके मुताबिक कल होने वाले मुकाबले में किसकी जीत होगी, मुंबई इंडियंस या तो फिर बैंगलोर की टीम की, हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसे वीडियो हम आपके लिए हर दिन आईपीएल पर लाते हैं और लाते रहेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सारी अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और भी जबरदस्त और बेहतरीन कंटेंट के साथ।